एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने घर में, मैंने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है एक कमरे में, तो उसमें मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो किसी का रेफरेंस लेके आया, रिटायर्ड ब्रांच भेजे का। वो मेरे पुराने अच्छे दोस्त थे, वो कह रहे जी ऐसा है, मैंने उन्हें उन्होंने भेजा है, और मैंने ना अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, साले के लिए, जो कि अभी गाँव से आया, मुझे तो आए हुए 8-10 साल हो गए, लेकिन मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, और मैं तो बिल्डर्स के साथ काम करता हूँ, मैंने उसको तो काम देना है, तो उसको एजेंसी देनी है। मैं कहा चलो ठीक है, एजेंसी आप ले आना उसको। लेकिन हुआ क्या कि उसके ब्रदर इन लॉ ने मना कर दिया कि मैं ये इंटरेस्टेड नहीं हूँ फॉर इंश्योरेंस एजेंसी। अल्टीमेटली वो कहता जी मैंने तो वैसे कभी सोचा भी नहीं है, मैं तो इंजीनियरिंग का काम करता हूँ, मैं तो सारे मजदूरों के साथ ही काम करता हूँ, लेकिन क्या मुझे एजेंसी मिल सकती है, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ। मैं कहा डेफिनेटली देख लेते हैं, एजेंसी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी और आपको टाइम डिवोट करना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि टाइम तो मेरे पास बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और फॉर्चुनेटली बाय चांस उन दिनों में इवनिंग सेशन था, ये बात है 2004 की, आज से 16 साल पहले, अगस्त 2004 में वो आए थे मेरे पास। तो वो एक ही सेशन था, इवनिंग सेशन, और वो उसने उसी में ज्वाइन किया। आफ्टर हिज वर्किंग वो ही यूज्ड टू कम रेगुलरली फॉर ट्रेनिंग, और टेस्ट भी क्लियर हो गया और ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन मेरे को उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो उसका लग रहा था मेरे को कि ये मोर ओवर कोई इतना फाइनेंशियल सेक्टर में पता नहीं कामयाब हो पाएगा कि नहीं, लेकिन एक चीज है, ही वॉज वेरी कमिटेड, ही वॉज वेरी डेडिकेटेड। और उसने कहा कि सर, अच्छा उन दिनों में उसका एक छोटा सा पुराना सा स्कूटर होता था जिसपे वो आता था, और वो रहता है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, जीरकपुर है, मैं मोहाली में रहता हूँ, तो जीरकपुर से वो आता था। वो बस उसने शुरुआत की कि ठीक है मैं कर दूंगा, तो मेरे को कोई ज्यादा नहीं लगा। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि जैसे उसने शुरू किया, उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, उसकी क्वालिटी है, उसने क्या किया कि रेगुलरली मेरे पास आना। एक तो देखिए, सुबह 9 से 6 बजे को जॉब करता था, उसके बाद वो फील्ड में घूमता था, उसके बाद मेरे पास, वो जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, उसका घर बिल्कुल पास है, पहले उसने मेरे पास आना 20 किलोमीटर, फिर उसने वापस घर जाना। और वो जो उसकी क्वालिटी थी, उसके कारण मैं उसको ज्यादा दे पाया ट्रेनिंग। आप देखेंगे कि ट्रेनिंग जो जो अपने लीडर के साथ जुड़ा रहेगा, दैट मेक्स अ डिफरेंस। उसने रेगुलर आता था और हल्के 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 उसने काम को समझा। और उसने क्या किया, मैंने कहा भी आपने रोग हर दिन सुबह जो है काम करो, लेकिन 10 से 12 लोगों से बात जो करनी है, तो वही उसका पार्ट रहा, वो उसने उसे सीखा। और रेगुलरली काम करते 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 वो जब आता था, आप ये देखिए हर फोर्टनाइट में 4 से 5 केसेस वो करता ही था, और कंसिस्टेंसी, कोई भी ऐसी फोर्टनाइट नहीं जो उसमें उसने काम नहीं किया। और पहले साल ही उसने 150 केस किए, जो उसने एजेंसी अगस्त में ली थी वो मार्च तक तो उसने कम किया था, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में उसने 150 केस किया, और हल्के हल्के काम बढ़ाता रहा। लेकिन उसका जो टिकट साइज था वो बहुत छोटा था, उसमें कॉन्फिडेंस शुरू में इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसने प्रोडक्ट नॉलेज गेन किया, तो हल्के हल्के वो अच्छा पॉलिश होता गया, उसका ड्रेस भी बढ़िया हो गया। वो लड़का जो है, मेरे को उसमें नजर आना, क्योंकि जब उसने ज्वाइन किया ही वाज जस्ट 38 ईयर्स, और एक मजदूरों के साथ काम करने वाला बंदा, हल्के हल्के वो पॉलिश हो गया। और उसने क्या किया कि ट्रेनिंग इतनी ली कि वो टोटल रिबेटलेस काम करना शुरू कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ, कंसिस्टेंसी से, रेगुलर ट्रेनिंग से, उसने जहां जहां मैंने बोला, मैं उसको बॉम्बे भी लेके गया, उसने हिम्मत की और मेरे साथ बॉम्बे भी गया, गोवा में भी हम घूमे, लेकिन ट्रेनिंग उसने कोई नहीं मिस की। मैं हर महीने मीटिंग करता हूँ, वो कभी भी लेट भी नहीं हुआ, रेगुलरली आता रहा। तो उससे क्या हुआ कि उसने एक आज की डेट में, अब पिछले 3-4 साल से उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, हालांकि उसको हो गए 16 साल, लेकिन 4-5 साल से अब अच्छे रिजल्ट्स आने, जैसे फल लगता है ना जी, तो उस हिसाब से आज की डेट में आप हैरान होंगे कि जो बंदा उस वक्त ज्वाइन करते हुए, ही वॉज अर्निंग जस्ट 8,000 रुपीज, आज की डेट में उसकी जो इनकम है वो 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ हो चुकी है। और उसने ये गोल, मैंने कई बार बात करता हूँ एमडीआरटी, हम कभी भी ज्यादा पॉलिसीज की बात नहीं करते, वो कह रहे मैंने एमडीआरटी करनी है, एमडीआरटी करनी है, सीओटी करनी है, टीओटी करनी है, दैट इज हिज गोल वीएन। और मेरे को पूरा विश्वास है, डेफिनेटली ही पोटेंशियल्स में पूरा है। और उसने आज की डेट में अगर मैं गोल पूछता हूँ, तो वो एक उसने बड़ी अच्छी बात कही कि सर मेरा ये गोल है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब, लोग कहते हैं कि मेरा जो दामाद है वो गवर्नमेंट जॉब करता है, मेरे को भी किसी ने पूछा था, मैंने कहा भी मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरा ये सपना है कि जितना एक क्लर्क, गवर्नमेंट क्लर्क अपनी
तीस पैंतीस साल की जॉब में बाद में रिटायरमेंट पे कमाता लेता है वो रिटायरमेंट फंड, उतना मैंने हर साल लेना है। तो हर साल मैंने इतना कमाना है कि 35-40 लाख कमीशन तो आना ही चाहिए। तो देखिए, जिसके पास पहले बिल्कुल एक छोटा सा स्कूटर था, उसने उसके बाद मोटरसाइकिल लिया, और जब मैंने गाड़ी ली अपनी डिजायर टॉप मॉडल, तो वो कहता सर मैंने ये गाड़ी नहीं ली, डिजायर टॉप मॉडल, और वो उसने ले ली, हालांकि अपनी पॉकेट से ली। उसके बाद उसका छोटा सा घर था, तो छोटे से घर से उसने करते करते एक अच्छा घर बना लिया। और लेटेस्ट क्या है कि उसने ट्रिब्यून कॉलोनी, यहाँ ट्रिब्यून जो आता है पेपर, उनकी कॉलोनी है बड़ी रेप्यूटेड कॉलोनी, उसमें उसने 10 मरले का अभी प्लॉट लिया है फॉर 40 लाख, और उसको जल्दी ही वो कंस्ट्रक्ट करने वाला है। और दूसरी गाड़ी ले चुका है होंडा सिटी, अब वो तीसरी गाड़ी मैं किया लेने की सोच रहा हूँ, तो वो भी कहता मैंने भी किया ही लेनी है। तो मतलब उसका दिमाग खुल गया हुआ, और वो कहता है कि सर मेरे को समझ नहीं आता ये पैसा रेगुलरली आ कहाँ से रहा, जो कि सिर्फ 8,000 रुपए महीने का कमाता था। तो दैट इज इज वेरी वंडरफुल स्टोरी कि उसने बहुत बढ़िया अचीव किया है, और देयर इज नो एंडिंग। वो कहता मैंने हर साल कम से कम 35-40 लाख तो होना ही चाहिए, और कॉन्फिडेंस बहुत हो गया है। सारे रिश्तेदार हर एक चीज छोटी छोटी सलाह उससे पूछते हैं, जो कि कभी उससे बात करना नहीं पसंद करते थे, अब उसके पास आते हैं कि हाँ मेरे को बताओ जी ये कैसे करना। कोई घरेलू मामले के बारे में जब आप एक पोजीशन पर पहुंचते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक फैमिली में रिश्तेदारी में से हो जाती है। तो ही हैज अचीव्ड, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जो एक आदमी जूनियर इंजीनियर छोटे से 8,000 रुपए पर मंथ से आज की डेट में 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, उसमें जो डिफरेंट है, जो अलग है, जो कि होना चाहिए हर एक मार्केटिंग में, एक तो उसके डेडिकेशन कमिटमेंट तो होती है, कंसिस्टेंसी जो है ना सर, वो ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन काम किया हल्के हल्के डाइल्यूट हो गया, उसने डे वन से जो काम करता था उसी कमिटमेंट के, जस्ट टेकिंग एज ए सर्विस, वो 8:30-9 बजे अपने घर से निकल जाता है, कहता मेरे को कई बार नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है, गाड़ी में बैठता है, अगले मोड पे जाके खड़ा हो जाता है, वहां से वो कॉलिंग करना शुरू कर देता है। कहता जो मैंने लिस्ट बनाई होती है कई बार वो उसी से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते, और अनएक्सपेक्टेड वो लोगों से बात हो जाती है, और वो जो कंसिस्टेंसी है दैट मैटर्स, और उसी से वो काम उसका जो है आता है। और आप ये देखिए टाइम फील्ड में काफी ज्यादा लगाता है, सुबह 8 बजे निकला होता है उसका, अब तो वो जॉब रादर उसने जॉब छोड़ दी, मैं वही बताना भूल गया, उसने 2012 में ही रिजाइन, एट दैट टाइम ही वॉज गेटिंग 60,000 सैलरी फ्रॉम दैट प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। वो कहता सर ये तो मेरी लाइबिलिटी है, आई वॉन्ट टू अर्न मोर, तो इस हिसाब से उसने रिजाइन करके फुल टाइम एजेंट बना। तो और उसे तब तक कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है मेरे को एक इनकम रेगुलर आएगी, तो दैट वॉज अ पॉइंट। अब उसमें कॉन्फिडेंस भी है, और ट्रेनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि हमने कोई भी ट्रेनर कोशिश किया, जो भी ट्रेनिंग आई है वो अटेंड किए, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है दीपक जोशी, मुकेश जोशी, या फिर उसके बाद अशोक गोयल जी आए, या काजिम रजा आए, या के रमेशन जी आए, सबकी ट्रेनिंग्स हमने कोई भी मिस नहीं की। यहाँ से राधा हमने बॉम्बे जाके ट्रेनिंग्स की, अपने मैं टीम को लेके गया इन 2007, तो वो एक मैटर करता है क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज है तो डेफिनेटली वो, फिर आपको कोई रिबेट देने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड यू बिकम सक्सेसफुल। और अगर आपको पता है आपकी लैंग्वेज ही ऐसी हो जाती है, अगले को वैसा ही वो एक्सेप्ट करता है और इंश्योरेंस हो जाता है। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है, जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा, हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा, उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर
नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।